नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। मैं आपके साथ विजय। तो चलते हैं बड़ी खबर। कोविड वैक्सीन लगाए जाने की तैयारियां शुरू होने के बीच मरीजों की संख्या का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। 6 माह बाद रविवार को लगातार दूसरे दिन एक दिन में मिलने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या 140 से कम सिर्फ 134 रही है, जबकि 2 मरीजों की वायरस ने जान ले ली है। इससे पहले शनिवार को भी केवल 137 मरीज पाए गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को विभिन्न अस्पतालों व होम आइसोलेशन से 208 रोगियों को संक्रमण मुक्त घोषित किया, जबकि सर्विलांस एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर टीमों ने 7,039 लोगों के नमूने लिए। राजधानी में महीनों से गोमती नगर और इंदिरा नगर में नए कोरोना मरीजों के मिलने की संख्या लगातार टॉप पर बनी हुई है। रविवार को भी गोमती नगर में सबसे अधिक 19वां इंदिरा नगर में 11 मरीज पाए गए। इसके अतिरिक्त मरियावा और तालकोटोरा में 10-10 व रायबरेली रोड पर 11 पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि अन्य इलाके में नए संक्रमित मरीजों की संख्या 10 से कम रही। अब 1400 भी कम रह गए होम आइसोलेशन में मरीज। नए संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या भी बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि अब होम आइसोलेशन में भी रह गए सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 1400 से भी कम हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को सक्रिय होम आइसोलेशन में कुल रोगियों की संख्या सिर्फ 1369 दर्ज की गई है, जबकि अब तक 58,000 से ज़्यादा रोग होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो चुके हैं। रविवार को स्वास्थ्य विभाग में कुल 28 रोगियों को विभिन्न अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि 31 अन्य को भी एम्बुलेंस का आवंटन किया गया था, लेकिन उन्होंने आखिरी में होम आइसोलेशन में रहने का अनुरोध किया। इंडियन प्राइम न्यूज़ से ब्यूरो रिपोर्ट।